नमस्कार। विश्व कूटनीति में भारत की धाक बढ़ती जा रही है। भारत की धाक और उसकी नीतियों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और आगामी 1 दिसंबर से भारत एक और दुनिया की बड़ी प्रमुख वैश्विक संस्था G20 की कमान संभालने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की और इसी पर आधारित विशेष कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम की राह पर G20 लेकर हाजिर हुए हैं हम। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और इस बार G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। कितना महत्वपूर्ण है ये और क्या है इसके मायने, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ में। और आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की प्रगति और सामर्थ्य का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक कहा। उन्होंने कहा कि भारत इस सम्मेलन को केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के प्रति एक विश्वास के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान शुरू किया था और अब G20 में हमारा मंत्र है वन अर्थ वन फैमिली। के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। तो बुद्ध के संदेश के जरिए भारत एक नई ऊर्जा दे रहा है विश्व को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और अब भारत इस G20 समूह का नेतृत्व और अध्यक्षता करने जा रहा है। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति में यह बताया गया है कि अपनी प्रगति के साथ वैश्विक प्रगति भी शामिल होनी चाहिए। भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने हमें एक और बात सिखाई है, जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है उतनी ही विविधता भी है। ये डेमोक्रेसी, ये डायवर्सिटी, ये इंडिजिनियस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, ये लोकल लाइफस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स, आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है और G20 इसके लिए एक बड़े अवसर के रूप में काम आ सकता है। तो भारत के आइडियाज के साथ में विश्व तमाम चुनौतियों के समाधान देख रहा है, प्रधानमंत्री का यह कहना है। और कितना महत्वपूर्ण है ये, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और उसके साथ ही साथ डॉक्टर स्वास्ति राव जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं MPIDSA के, यानी कि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के। आपने दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर स्वास्ति आपका और पिनाक रंजन
चक्रवर्ती। एम्बेसडर आपका, दोनों लोगों का स्वागत करते हैं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, पहले आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि G20 के अध्यक्षता कितनी कितनी बड़ी इसको आप भारत के एक वैश्विक स्तर पर धमक के तौर पर देखते हैं या इसको कितना कितने महत्वपूर्ण समझते हैं इसको? मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के ऊपर और भारत G20 का अभी चौथा सबसे जो बड़ा आर्थिक इकोनॉमी है वो सबसे बड़ा है, तो इसमें धीरे धीरे भारत आगे बढ़ेगा और मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड हो जाएगा कुछ सालों में। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे विश्व के सामने बहुत सारी अभी चुनौतियां हैं जी। एक तो रिसेशन है, एक फिर जो यूरोप में जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है ऊर्जा में, जो फॉसिल फ्यूल्स की जो सप्लाई है और फिर ग्रेन की जो सप्लाई है यूक्रेन रशिया से, क्योंकि वो बहुत बड़े सप्लायर है, तो ये सारे दुनिया में एक समस्या खड़ी कर चुका है जी। तो इसके क्या समाधान होंगे, किस तरह से हम लोग मिलजुल के करेंगे या फिर हम जियोपॉलिटिक्स और लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अभी भी यूक्रेन को उसका रहे हैं कि आप मरते जाओ हम आपको वेपन्स देते रहेंगे, तो क्या वो चलेगा या क्या जो हम कह रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युग जो है ये युद्ध का नहीं है जी। इसको हमें बैठ के सब कुछ समझौता करके हम लोगों को आगे बढ़ना है जी। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के लिए। बाकी तो खैर बहुत सारे मुद्दे हैं G20 में, 200 से ज्यादा मीटिंग होगी डिफरेंट मुद्दों पर, तो खैर वो दूसरी बात है, बट इन अ मैक्रो सेंस ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। डॉक्टर स्वस्ति, आपसे समझना चाहें अगर इस पूरे पूरे प्रकरण को, आपने देखा कि आज लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की गई और उसमें भी भारत की जो पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमारा बंधु है, हमारा एक परिवार है, जो इसकी झलक है, जो भारत की सोच है वो इसमें फिर दिखाई दी, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, किस तरह से देखती हैं कि भारत की जो स्पष्ट सोच है वो इस पूरे G20 के मंच पर अब पूरी दुनिया देख सकेगी? जी निखिल जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देखिए दो चीजें हो रही है दुनिया में, एक तरफ ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जैसे अभी चक्रवर्ती साहब भी बता रहे थे जो दुनिया को अलग अलग लेवल पे फ्रैक्चर कर रहे हैं, अलग अलग, चाहे वॉर के जरिए, कॉन्फ्लिक्ट के जरिए, और केवल एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्लिक्ट है एक तरह से, लेकिन उसके अलावा तमाम कॉन्फ्लिक्ट है। जो COVID-19 से हमारी रिकवरी चल रही थी वो एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, अभी भी हम उस रस्ते पर ही चल रहे हैं। जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का डिवाइड है, उसके बाद क्लाइमेट को जो तमाम इश्यूज हैं, इन सारी चीजों पे तमाम फ्रैक्चर्स दुनिया में है। तो एक तरफ तो ये रियलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे देशों का भी समूह है, मेरे ख्याल से भारत बिल्कुल सही तरीके से एक निर्णायक रूप से उसकी लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, जो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स का निवारण कोई एक देश या एक समूह अकेले नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस के साथ अपने इश्यूज हैं, ग्लोबल नॉर्थ के साथ अपने इश्यूज हैं, केवल विकसित इकोनॉमीज इसको नहीं टैकल कर सकती। कहिए क्या हमको, हमें एक कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए। तो जो इसी वजह से ये सारा रेलेवेंस है वसुधैव कुटुंबकम का कि जो पूरी दुनिया है, इसीलिए हम इन्हें ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं निखिल जी। तो ये एक सही वक्त है, कहीं ना कहीं बड़ी बेसिक बात है ये, लेकिन बाज दफा क्या होता है कि बेसिक बातें ही सबसे इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं, और बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग करते वक्त वो बेसिक बातों से, जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फोकस कह रहे थे चक्रवर्ती साहब, उनके ऊपर से जो ध्यान है वो हट जाता है। तो इट इज द राइट टाइम कि कोऑर्डिनेटेड और कलेक्टिव एक्शन को समझें। और तो भारत की भूमिका इसमें अग्रणी है या क्यों निर्णायक है, क्योंकि देखिए भारत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है पूरी दुनिया में, ना केवल एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, आज ही अगर आप देखें जो लेटेस्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो कह रही है कि 2027 तक भारत पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। तो ठीक है, चलिए ये हमारे हक की बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज जब भारत बात करता है किसी भी मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क पे, वो G20 का हो, वो SCO का हो, वो G7 का हो, वो यूनाइटेड नेशंस का हो,
तो पूरी दुनिया सुनती है, जिसको हम कहते रहते हैं कि टुडे व्हेन इंडिया टॉक्स द वर्ल्ड लिसंस। तो इस वक्त भारत के पास अपने जो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं उनको शेप करने का भी सही वक्त है और सही पॉलिटिकल विल भी है और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जियो पोलिटिकल मैं कहूंगी ट्रैक्शन भी है, क्योंकि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी एंगेज करता है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, और आज जो आपने देखा कि लोगो जो आया है इतना खूबसूरत और इतना मैं कहूंगी कि बिल्कुल जो मौजूदा जो हमारे सर्कमस्टांसेस उनको इतना अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है कि कैसे जो लोटस के ऊपर एक पूरी दुनिया जो है वो काबिज है। तो कहने का मतलब कि जो भी हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं वो हम अकेले ढूंढ नहीं सकते, उसमें भागीदारी सबकी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो प्रॉब्लम्स है इनका कोई एक एक्टर्स का इसका उत्तर निर्धारित नहीं करेगा और इसके लिए हमें कलेक्टिव सोच और कोऑर्डिनेटेड सोच चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका मैं ये समझती हूं। जी जी एम्बेसडर चौधरी, एक बात और शायद लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के सामने हमारे देशवासी सोच रहे होंगे कि क्या अवसर अब हमारे पास हैं और क्या चुनौतियां हैं। ये दोनों अपने आप में बड़े मौजूद सवाल है मेरी समझ से। देखिए, इमीडिएट जो चुनौती है वो तो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है, सिर्फ यूरोप में नहीं कई दुनिया में कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी। उनको दूसरी चुनौती है कि लोगों को खाना और वैक्सीन पहुंचाना, हेल्थ सिक्योरिटी या एनर्जी सिक्योरिटी और वैक्सीन सिक्योरिटी, ये सारे जो मुद्दे हैं ये इस पे गौर फरमाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा वैक्सीन नेशनलिज्म इस तरह से आगे बढ़ गया था कि लोग सब अपने देश की वैक्सीन जो बना सकते हैं वो अपने देश में कब्जा कर रहे थे, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, हमारी परंपरा ये नहीं है। हम वासुदेव कुटुंबकम के हम जो हम उसकी चिंताधारा के लोग हैं, इसलिए हमने दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में हमने वैक्सीन पहुंचाया। क्योंकि हमने देखा कि अगर दुनिया एक फैमिली है तो एक उनके साथ बर्ताव भी एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भेदभाव करें, ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करें। और भारत एक ऐसा मुल्क है, जैसा देश आज है, जो सबके साथ तालमेल बना के चल सकता है, क्योंकि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हम जिनके साथ काम करना है किसी मुद्दे पे उनके साथ काम कर रहे हैं। ये जो पोलैरिटी है या मल्टीपोलैरिटी है या जो मल्टी ट्रैकिंग जो हमारी विदेश नीति हो गई है कि हम सबसे बात करेंगे, सबसे कोऑपरेट करेंगे, जहां जहां हम कर सकते हैं, अगर आपको आप चाहे कोऑपरेट करना तो जरूर करिए, अगर ना चाहे ना करिए। तो इसमें तो जैसे पाकिस्तान है जो कोऑपरेट नहीं करना चाहता, तो ठीक है आप अपनी जगह पर रहिए और हम अपना जो काम है हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हमारा एक नटशेल में ये हमारा जो अप्रोच है, तो ये दुनिया में मतलब हमारे विश्व में लोग इसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो इंडिया ऐसा एक मुल्क है, जहां एक देश है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, जिनसे हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ रही है वो बहुत ही मतलब गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पर हमें बहुत सीरियसली काम करना। जी, जिस तरह से बात हुई डॉक्टर स्वस्ती कि जब पूरी दुनिया युद्ध के कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बाई पोलरिज्म की बात कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं कि तमाम सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, आपने कहा कि यूक्रेन और रूस तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत बहुत जगहों पर हैं, ऐसे समय में सबको एक राह पर लेकर आना, वसुधैव कुटुंबकम की बात बाकी दुनिया के लोग 85% उस दुनिया को जिसको G20 रिप्रेजेंट करता है वो उसको आत्मसात कर सके, भारत की नीतियों के राह पर चल सके, इसके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? निखिल जी देखिए, चुनौती तो ये डेफिनेटली है, क्योंकि एक तरफ होते हैं जो ग्रैंड साउंडिंग प्लान्स होते हैं और दूसरी तरफ होता है जो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा आप देखेंगे कि कोई ना कोई रोड़े, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं। पहली चीज जो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी बड़े आसान भाषा में दर्शकों को भी कि देखिए, हम पहले G20 हो या कोई भी मल्टीलैटरल फोरम हो, वो परफेक्ट नहीं होता है ना, क्योंकि परफेक्शन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हमें देखना चाहिए WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस के फ्रेमवर्क में कि ये सारी चीजें जो हैं ये एक सतत प्रयास है, और प्रयास किस तरफ,
प्रयास एक बेहतर दुनिया, इंक्लूसिव दुनिया की तरफ। अभी जैसे पैनलिस्ट ने बताया आपको कोविड वैक्सीन के बारे में, अब देखिए कोविड वैक्सीन में भारत जो है उसकी अग्रणी भूमिका निभाता है, हमको सबको पता है। लेकिन अगर आप G20 के एजेंडा को देखेंगे तो आपको उसमें 3-4 बातें नजर आएंगी जो समझ में आएगा कि भाई केवल बातें करने से या प्लान बनाने से वो चीजें ऐसा नहीं कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। अब COVID-19 वैक्सीन है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका जो पैन वर्ल्ड जो डेटा है वो ये है कि अगर 10 मिलियन डोजेस बन रही हैं, तो इफेक्टिवली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लो इनकम कंट्रीज हैं, वहां पे मुश्किल से 1% डोजेस पहुंच रही हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जो ट्रिप्स वेवर है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे जो वेवर्स नहीं मिल पाते हैं। अब भारत है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ये G20 के ही देश है बाय द वे, ये काफी लॉबी कर रहे हैं कि इस पर एक कंसेंसस बना सके G20 के विदिन। लेकिन G20 में यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, UK है, इस तरह के जो कंट्रीज हैं वो इन पर एक कंसेंसस नहीं बनने दे रहे हैं। तो ये हो गया एक बहुत ही, मैं कहूंगी कि एक मूर्त रूप में हमारे सामने जो चैलेंज है। तो भारत को केवल विश्व गुरु है इस बात की रेपुटेशन का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन एक ब्रेक थ्रू तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सिमिलरली और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि और बहुत जान, जैसे हम कहते हैं कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसमें जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का जो प्रावधान है, अगर आप फिर उसको देखेंगे, चूंकि वो प्रोपोर्शनल होता है इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, तो वो पैसा भी ज्यादातर जो उसका 67% जो उसका जो बल्क है वो भी किसी देशों के पास जाता है। डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज के पास तो बहुत कम पहुंचता, बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है। अब इस पे भी G20 हर बार, जितनी बार, जो पिछली बार हुई 2021 में G21 जो समिट इटली में, और उसके पहले, और लगातार कई सालों से इस पर ये चल रहा है कि हमें इस पर एक कंसेंसस चाहिए, क्योंकि G20 केवल ग्लोबल नॉर्थ ही नहीं, मतलब ग्लोबल साउथ का भी प्रतिनिधित्व करता है। और आप देखते हैं कि कैसे भारत की तरह और इसमें देश है जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया था इस साल, अब अगले साल भारत होगा और उसके अगले साल ब्राजील होगा। तो कहने का मतलब है कि एक जो राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर और लॉबिंग की जरूरत है कि STR को इस तरह से कंसेप्चुलाइज किया जाए कि असल में जिनको जरूरत है वहां तक वो पहुंचे। सिमिलरली क्लाइमेट गोल्स अगर आप देखें तो जो आपको एक ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में एक डिविजन मिलेगा, क्योंकि एक तरफ डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जो रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जिनके पास ना उस तरह का फंड है ना उस तरीके का इंडस्ट्रियल मतलब मैच्योरिटी है कि वो कर सके। तो ऐसे जो तमाम आपको डिवाइड्स दिखेंगे ना, देखिए ये भी भारत के सामने एक चुनौती है कि इंडोनेशिया के वक्त जो प्लान ऑफ एक्शन लिए गए, और तमाम प्लान ऑफ एक्शंस हैं, डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि और बहुत ही अच्छे प्लान ऑफ एक्शंस हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। और तो और मेरी ये समझ है, मेरी एनालिसिस है कि चूंकि इस बार का जो ट्रॉयका है G7 का, ट्रॉयका मतलब वो जो तीन देश हैं जो एक बार एजेंडा सेट करते हैं, इंडोनेशिया, भारत और उसके बाद ब्राजील, चूंकि ये तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलेगा कि इस सारे प्लान ऑफ एक्शन के साथ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम। तो ये मेरी इस बात को लेकर जो समझ है वो ऐसी है। जी, हम भारत की भूमिका की बात लगातार कर रहे हैं एम्बेसडर चक्रवर्ती, लेकिन जो भारत का एक, जिसको कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में धाक बनने की बात हो, जिस तरह चाहे वो SCO में अभी अग्रणी भूमिका निभाने की बात सामने आई है, उसके बाद अब G20 में, UNGA में, तमाम ऐसे फोरम्स हैं जहां पर दुनिया भर में जो भारत की पहचान है, जो भारत की की नीतियों की एक तरह से धमक है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। G20 में अध्यक्षता के साथ ही भारत कहीं ना कहीं एक लेवल और ऊपर उठेगा, इस तरह से भी देखते हैं आप दुनिया की नजर में? देखिए, भारत का प्रोफाइल तो बढ़ रहा है, पर प्रोफाइल हमको मेंटेन करने के लिए, सब्सटेंस डालने के लिए, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ते जाना चाहिए। हमारी GDP 10 ट्रिलियन हो तब दुनिया भर के लोग ज्यादा बात सुने, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जब होता है किसी कंट्री के पास, तब उसका एक जो कहते हैं उसकी बात मानी जाती है। USA है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जो बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं। अब देखिए वो कंट्रोल भी कैसे करते हैं। आपने IMF और स्वाति जी ने बोला, IMF और वर्ल्ड बैंक की बात करी, वहां पे वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है वो हमेशा अमेरिकन होता है, IMF का जो हेड होता है वो हमेशा यूरोपियन होता है। तो इस तरह का जो पकड़ उन्होंने बनाई हुई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, अब देखिए रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सैंक्शंस लगा दिया यूनिलैटरली,
कहीं यूएन का कुछ नहीं था उसमें कि अब यूएन रिलेटेड यूएन ने कोई परमिशन नहीं दी जी। पर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया क्योंकि उनके पास ये पावर है, क्योंकि दुनिया डॉलर के बेस पे ट्रेडिंग करती है और फाइनेंशियल जो ट्रांसफर्स है सब न्यूयॉर्क लंदन से होता है, इसलिए उनके पास उन्होंने उसको वेपनाइज कर दिया कि रशिया के खिलाफ की आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते और दुनिया भर को इसमें दिक्कत हो गई। पर देखिए इस तरह का वो जितना करेंगे तो अल्टरनेट सिस्टम्स उतना ग्रो करेगी क्योंकि दुनिया बैठी नहीं रहेगी, इसको चुपचाप इसको निगल नहीं जाएगी, अल्टरनेट सिस्टम्स फिर खड़े करनी पड़ेगी। ये सारी मुद्दे, ये सारे जितने भी मुद्दे हैं इस पे भी गौर फरमाना पड़ेगा। इस तरह का जो यूनिलैटरल जो मूव्स होती है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मिलजुल के करना चाहिए जो भी करना है। जी, जी, हम रशिया को लाइक नहीं करते इसलिए हमने उन पे सैंक्शंस लगा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सैंक्शंस किसी एक देश या दो तीन देश मिलके लगाते रहे। जी, इस पे भी एक इंटरनेशनल कोई जैसे हम सिविल कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए। भारत इसमें भूमिका अगर निभा सकेगा तो बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर स्वस्ति, लगभग समय समाप्त हो चुका है, एक संक्षेप में एक चीज और समझना चाहेंगे, जो भारत का सक्षम नेतृत्व है कहीं ना कहीं जो उसकी जो अपनी एबिलिटी है वो भी इस पूरे जो 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 पूरा प्रकरण रहा है, चाहे वो SCO की बात कही जाए, G20 की बात कही जाए या दूसरे फोरम्स हैं, वो सामने निकल कर आया है। जी बिल्कुल निखिल जी, मैं भी बहुत शॉर्ट में कहूंगी, क्योंकि देखिए एक तरफ यह है कि असल में जो डिविडेंड हमको आज दिखता है भारत की ग्लोबल रेपुटेशन को देखकर, एक पॉजिटिव डिविडेंड दिखता है, उसके पीछे ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एसर्ट किया है उससे क्या होता है। देखिए जब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एसर्ट कर देते तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा, जो डिट्रैक्टर्स ने कहा कि ये बड़ा सेल्फिश अप्रोच है, और आप देखेंगे कि ऐसा जो एक नैरेटिव है ये यूरोप में बहुत दिया गया कि आप जो है वो मतलब वॉर को फंड कर रहे हैं एक्सेट्रा, लेकिन हम लगातार कहते रहे कि नहीं, हम वॉर के पक्ष में नहीं है, हम अपने 1.3 बिलियन लोगों की जरूरतों के पक्ष में हैं। हां, तो पहली चीज इससे हमें समझनी चाहिए कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आगे रखना, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना, इससे ये पता चलता है कि हम बड़े रियलिस्टिक तरीके से अपने मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे। मतलब हमारी बातों में कोई बहुत फैंसी फैनफेयर नहीं है बल्कि बहुत ही रूटेड है वो रियलिटी में, तो एक तो ये चीज पता चलती है। दूसरी चीज हमें ये पता चलती है निखिल जी कि इस वक्त देखिए हम तो अभी तो भारत के इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, 1.3 बिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, एक और बहुत की इंपॉर्टेंट रोल है भारत के पास इस वक्त। देखिए कॉन्टिनेंटल तरीके से भी हमारे अलग किस्म का एक ग्रुप है देशों का जिससे हम एंगेज करते हैं, वो रशिया है, ईरान है, सेंट्रल जो एशियन रिपब्लिक्स है वो है, और जो मैरिटाइम डोमेन में हम क्वाड कंट्रीज से और क्वाड कंट्रीज के और एलाइज जो अमेरिका के हैं उनसे वो करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक और भी अट्रैक्शन है हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर, जो चैलेंज भी हमारे ऊपर थ्रो करता है लेकिन उसके साथ साथ हमको एक पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ पावर भी देता है। तो इस चीज को समझते हुए हमको ये समझना चाहिए कि इस वक्त अगर हम दोनों पक्षों को जो एंटी है एक दूसरे के उनसे बातें करेंगे तो वो उनके भी हक में है, और इस तरह से हम अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को और इनिशिएटिव्स को हम और ज्यादा पुश दे सकते हैं। तो आई थिंक अल्टीमेटली इट इज अ गेम ऑफ डिप्लोमेसी जिसमें आई थिंक इंडिया की करंट डिप्लोमेसी बहुत अच्छा कर रही है। इसमें कोई निश्चित तौर पर एक गेम ऑफ डिप्लोमेसी है जिसमें इंडिया की करंट डिप्लोमेसी लगातार प्रगति के पथ पर है और लगातार वो अपनी जो पहुंच है वो दिखा रही है पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, एम्बेसडर चक्रवर्ती और डॉक्टर स्वाति, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की राह पर है G20 और एक विश्व एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की बात भारत कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, और G20 समेत दुनिया के तमाम जो संगठन हैं दुनिया भर में भारत की जो कूटनीति है उसका डंका बज रहा है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।